फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप लोग देख रहे हैं मेरा स्वेताक्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सोच रहे हैं आज क्यों इतना चश्मा नहीं लगाया, इतना खाली खाली क्यों दिख रहा है, ऐसा सोच रहे हैं? तो आप सही सोच रहे हैं। मैं आज कुछ नया आपके सामने पेश करने वाली हूँ, मतलब मेरे लिए नया है। आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा पर मेरे लिए नया है। मैं आज कुछ मतलब होम रेमेडी DIY पैक्स होते हैं ना, मैं उस बारे में आपको कुछ शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो मैं यूजुअली घर पे इतना कुछ करती नहीं हूँ, पर मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ DIY होममेड फेस पैक्स भी ट्राई किया जाए, जो कि मुझे पता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने दो दिन से मैं सोच रही थी कुछ ब्यूटी के ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊं। मैंने दो दिन पहले ही सोच लिया था, पर मैंने दो दिन इसीलिए लिया क्योंकि मैं दो दिन से वो मेरे ऊपर ट्राई कर रही हूँ। मैंने सोचा जबकि ये काम कर रहा है तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम जब वो बात रही साइड पे, आप एक बात बताइए, जब भी हमें कोई स्किन प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे दिमाग में पहले क्या बात आती है? मम्मी होती या कोई दादी होती, मतलब सीनियर्स होते हैं ना, वो हमको बेटा ये अगर फेस पे हो तो ये लगा लो काम करेगा, वो लगा लो काम करेगा, मतलब जो होम रेमेडीज पिछले ज़माने के लोग बताते थे, मतलब हमारी दादी नानी मम्मी वो सब हमें शेयर करते थे। तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होती है। जब भी हमें अगर थोड़ी सी भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम, मतलब सन टैन हो गया, कुछ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कुछ भी होता है ना, तो हमें पहले लगता है कि चलो किचन में चलते हैं, क्या है इंस्टेंट काम करेगा, जो कि पहली बात उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दूसरी बात बजट में होता है, वो कोई भी मतलब स्किन टाइप कौन सा भी हो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हमारा स्किन टाइप को वो सूट नहीं करेगा तो मतलब उसका रिजल्ट नहीं आएगा, पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पहली बात ये प्लस पॉइंट होता है हर एक होममेड DIY फेस पैक का। ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर आप होममेड तरीका यूज करते हैं तो कोई आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा घर में क्या अवेलेबल होता है? राइस फ्लोर, लेमन, हनी, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। मैं आज मतलब हमारे नोज पे ये सारे एरिया पे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं ना, मैं आज उस पर कोई एक फेस पैक फेस मास्क बताने वाली हूँ, जो कि वो आपका वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालेगा, उसके बाद वो आपका मतलब स्किन सनटेन निकालने में भी मदद करेगा, और दूसरी बात वो आपका स्क्रब का भी काम करेगा। आप अगर इसे हफ्ते में 2 से 3 बार आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अपना फेस, आप देख रहे हैं, देख लीजिए पूरी तरह मेरा फेस अब कैसा है। इसे मैं वेट टॉवल से क्लीन कर लूँगी। नेक भी हमेशा याद रखिए, कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो अपना ये फेस और नेक हमेशा कवर करके रखिए, मतलब वो फेस मास्क से हम कवर करेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 1 लेमन। मैं इसे ऐसे निचोड़ दूंगी। हमारा फेस पैक तैयार हो गया। 1 मिनट वेट की। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, ज्यादा मतलब वो देखिए इसका कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ऐसा होगा ना वो जल्दी हमारे स्किन के अंदर जाएगा, ज्यादा देर भी नहीं लगेगा और काम करना शुरू करेगा। देखिए मैंने लगाना शुरू किया है। आप ये वीडियो देखिए, अपने फेस पर भी लगाइए, ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और कोई और ऐसी वीडियोस पर आपको जानकारी चाहिए तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर रिसर्च करूँगी, अपने पर अप्लाई करूँगी, अगर वो काम करता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं बताइए आप। मैं आप लोग जब हमारा वीडियोस देखते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो हमें क्या, मुझे क्या फील होता है आप, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जब हम, मतलब जब मैं एक वीडियो बनाती हूँ तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती। देखिए गर्मी का महीना है, मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया, क्योंकि फ़ैन जब ऑन करती हूँ तो वो साउंड होता है। अभी मेरा बेटा भी घर पे नहीं है, हम कितना रिसर्च करते हैं उसके बाद हम आप लोगों को ये दिखाते हैं। मैं अभी तो नेक पे अप्लाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा ड्रेस थोड़ा हाई नेक है, इसीलिए ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं 15 मिनट्स इसे छोड़ दूंगी, ठीक है। आंखें के पत्तों पे भी, मतलब हम अगर हम केयरफुली अप्लाई कर सकते हैं तो करेंगे, वरना रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसीलिए अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा, मुझे पता है, मतलब मैं आंखें बंद करके भी वो, मतलब मैं उसे केयरफुली कर पाऊंगी, इसीलिए मैं अप्लाई कर देती हूँ। ऐसे हम 10-15 मिनट्स छोड़ देंगे, उसके बाद जब ये थोड़ा हमें सूखा सूखा लगेगा ना, आप 10 मिनट्स के बाद इसे रब करना शुरू कर देंगे। जब हम रब करेंगे ना, यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स होता है, वाइट हेड्स होता है, वो सब वो स्क्रबिंग के दौरान वो निकल जाता है, क्योंकि राइस फ्लोर थोड़ा सा, मतलब खदरा होता है ना, रफ होता है थोड़ा, इस वजह से वो सब हमारे डेड स्किन सेल को निकाल देता है। और लेमन जूस का प्लासमेंट क्या है, इसमें विटामिन सी होता है, साइट्रेट एसिड होता है, ये हमारे लिए ब्लीच का भी, मतलब वो ब्लीच जैसा भी काम करता है। आप ये देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मतलब ये कोई भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऑयली स्किन वालों को तो मतलब 100% रिजल्ट देगा। अगर आपका ड्राई स्किन है, अगर आपका राइस फ्लोर, मतलब वो साइट्रिक एसिड और विटामिन सी जो होता है ना, वो जितना ऑयल होता है, मैल होता है हमारे फेस में, वो डेड स्किन को सर निकाल देता है, तो हमारा फेस थोड़ा जिसका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होगा उनको बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा। इसीलिए आप चाहें तो इसमें हनी, राइस फ्लोर एंड लेमन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नॉर्मल स्किन है, ना ज़्यादा ही ड्राई ना ज़्यादा ही ऑयली, इसीलिए मैं बस लेमन और राइस फ्लोर ही यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी 15 मिनट्स छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अब मेरा 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे रब करेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट तक रब करेंगे हर एक जगह पर। हमें ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे ऐसे ऐसे रब करना है, नाकों के साइड से, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें थोड़ा मैल, मतलब डर्टी स्किन होता है, मैल जमा हो जाता है, वहाँ पे स्क्रब करना है। मैं वॉश करके आती हूँ, मैंने पूरी अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर ली है। अब मैं इसे मुंह धो लेंगे या फिर रेड टॉवल से इसे पोंछ लेंगे। देखिए आपने पहले देखा था मेरा फेस, अब इस तरफ से देखिए कितना पॉलिश लग रहा है, देखिए कितना क्लियर लग रहा है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। याद रखिए कभी भी अपने फेस को ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं पूछना, बस टैप 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 करना है।
आप देख रहे हैं मेरा स्किन, देखिए कितना कितना बेबी सॉफ्ट लग रहा है। हम जब इसे रेगुलर यूज करेंगे उसका रिजल्ट और अच्छा ही अच्छा होता है। ये मतलब ऐसा रेमेडी है, अगर आपको किसी पार्टी में जाना, आप सुबह से धूप में हैं, आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तो बस वो 10-15 मिनट्स वाला पील ऑफ मास्क वाला ग्लो दिखाते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2-3 रुपीस का भी खर्चा नहीं आएगा, घर पे जो सामान है उसी से ही हो जाएगा। बस आपको आना है, फेस वॉश कर देना है, मास्क अप्लाई करना है, स्क्रब कर देना है, प्लेन वाटर से फेस वॉश करना है, बस आपको जैसा आपको पार्टी वाला मेकअप करना है वो करके निकल जाइए। तो ये आज का मेरा पहला DIY फेस पैक वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब आप वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें मुझे बहुत खुशी होती है, मैंने कुछ किया, मतलब मैंने जो काम किया क्या बोलते हैं, मैं बोल भी नहीं सकती। कोई हमें कोई काम करते तो हम उसे थम्स अप देते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा एप्रिशिएशन मिलता है। बस बाय।